Okay, so all set for today's class. PPT सबको विजिबल यस मैम, यस ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश यूनिट टुडे, दैट इज यूनिट 9 एंड उसका भी एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, साइकोथेरेपी भी उसके अंदर आएगा विद इन दिस यूनिट, बट वी विल डू दैट लेटर. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ बिग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो हम इसको शुरू करेंगे आज. सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इन सिंपल टर्म्स? आपके नजर में व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ विल यू डिफाइन इट? मैम, अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ओके ओके यस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एज में कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? यस मैम. ओके, नाउ जा रही थी अभी आपको मेरी आवाज आ रही थी आपको? हाँ, अभी हाँ अभी अच्छा ओके, मेरी आवाज आ रही थी अभी पहले जब मैंने आंसर दिया था? नहीं नहीं अच्छा ओके मैम, वो मैं हेडसेट यूज कर रही थी, मैं कंफर्म कर रही थी. ओके मैम, थैंक यू. ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लाइफ की माइक बंद करना था. ओके, सो वी आर अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे की बात करी आपने, तो हम वो फेजेस कब से शुरू हो जाते हैं? फ्रॉम इन्फेंसी, ठीक है, बहुत छोटे से, इन्फेंसी से लेके आगे जितनी भी हमारी लाइफ है तब तक पूरा फेज है हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है, फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड एंड बियॉन्ड. तो वी कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, मतलब ऑल दीज चेंजेस ऑफ आवर लाइफ, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करते हैं. तो कैसे हम डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए या उसको इम्पैक्ट करते हैं. तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट आवर डेवलपमेंट? एवरी काइंड ऑफ फैक्टर, वेदर इट इज लाइक सोशल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, एवरी टाइप ऑफ फैक्टर विल स्टडी हियर. ओके, so basically it is a scientific study of changes that occur in people as they age from conception until death. So jo humne discuss kiya kaise kaise minute to minute changes hamare andar aate hain and they even stay over time. Okay, every change is not temporary with us. Jo changes humme aa rahe hain, hamari personality bhi develop ho rahi hai. Abhi humne previous kuch classes mein personality discuss kiya. So even that also हमारा personality develop होता है since childhood, right? But those are like quite stable changes, है ना, जो हमें define करना शुरू कर देते हैं. So why should we study human development? हमें क्यों जरूरत है इस topic को जानने की, समझने की, या क्यों हमारे curriculum में डाला गया ये? बताइए. ताकि हम पीपल को बेटर तरीके से जान सकें और ये पता लगा सकें कि किस स्टेज में क्या डिसऑर्डर हो रहा है और उसी तरह से उसे सॉल्व कर सकें, क्या प्रॉब्लम आ रही है किस स्टेज में. यस गुड मैम, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी करते हैं तो हम उसमें साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट कि साइकोलॉजिकली कैसे चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स में. और इस चेंज को जानने का और पकड़ने का क्या फायदा है हमें? मैम, अगर हम उस चेंज को पकड़ लेंगे कि किस स्टेज में या किस ट्रांजिशन फेज में क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी.
ओके यस तो डायग्नोसिस भी एज यू सेड एज आंचल सेड बोथ आर करेक्ट यहाँ पे कि हम जब इस फेज को जानेंगे समझेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि कब किस स्टेज में क्या चेंज हुआ और कब किस स्टेज में क्या चेंज नहीं हुआ किस बच्चे के अंदर जिसकी वजह से कोई इशू डेवलप हो रहा है लेटर ऑन राइट स्पेशली दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फैमिली और पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ओके बिकॉज पेरेंट्स को इस ह्यूमन डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है अगेन रीजन इज सेम ताकि उनको पता हो भाई क्या कोर इशू है या क्या बच्चे के साथ कैसे डील करना है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेज में ताकि लेटर ऑन जाके वो इशू क्रिएट ना हो उसकी लाइफ में ओके सो जितनी भी थियोरीज हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं डेवलपमेंट के लिए रेदर इट इज हमने पर्सनालिटी में भी काफी थियोरीज डिस्कस करी ठीक है वो सारी थियोरीज ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है हमने फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस पढ़ा पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जब हमें वो पता होगा तो वी नो हाउ टू डील विद इट हाउ टू डील विद अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेज ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप ना हो लेटर ऑन राइट वो हमें पता रहेगा देन जो हमने एरिक्सन की सोशल स्टेजेस पढ़ी इवन दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट हमने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस कल डिस्कस करी थी वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है बट देर आर सर्टन मोर थियोरीज मोर क्या बोलते हैं स्टेजेस विच विल स्टडी विद इन दिस टॉपिक ओके एंड इवन मोर देन दैट नाउ बिफोर आई मूव टू दिस द कॉन्फ्लिक्ट जोन आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ मैम छोटी टर्म है लेकिन डेवलपमेंट बड़ी टर्म है ग्रोथ उसके अंदर आता है तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है मतलब उसे हम जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है उसे नाप सकते हैं लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी ये जीवन डेवलपमेंट हमारे मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है लेकिन ग्रोथ जो है एक परिपक्वता के बाद बंद हो जाती है क्या ग्रोथ बढ़ और कम दोनों हो सकती है नो मैम रिवर्स में नहीं जा सकती ग्रोथ डेवलपमेंट ऑल्दो जा सकता है ग्रोथ मैम जैसे अगर हाइट बढ़ रही है तो वो रिवर्स में नहीं जा सकती ओके तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट तो बहुत सही बोला है कि जो ग्रोथ क्वांटिटेटिव मेजर्स में डील करते हैं डेवलपमेंट में दोनों बातें हो सकती हैं ओके सो बट ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है मतलब इट टेल्स अबाउट सम लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी कुछ फिजिकल एस्पेक्ट जैसे आपने हाइट का एग्जांपल दिया वो ग्रोथ के अंदर आ जाएगा इट कैन बी एट द सेलुलर लेवल And as Achal also said correctly, growth is part of development. Development एक overall development की बात कर रहे हैं जैसे अभी आपने भी क्या बताया था कि हम इसमें cognitive, psychological, other factors भी involve करके चल रहे हैं right? That is development. लेकिन growth is quite limited. हमने सिर्फ physical aspects को consider किया growth के अंदर ठीक है So that is the basic सा difference जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है Okay, now let's move ahead. What are the reoccurring conflicts? तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं देर आर सर्टन डिबेट सर्टन इश्यूज जो सरफेस पे हमेशा आते हैं ओके एंड आई गेस दे आर स्टिल डिबेटेबल फर्स्ट इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आई गेस दिस यू ऑलरेडी नो नेचर इज वेदर इट इज जेनेटिक वेदर योर डेवलपमेंट फेजेस आर गवर्न्ड बाय योर जेनेटिक सिस्टम और बाय द एनवायरमेंटल सिस्टम एंड द आउटपुट इज लाइक ऑब्वियसली नो वन डोमिनेट्स ओके अगर आपका नेचर ऑलरेडी जेनेटिक सिस्टम उस तरीके से है तो यू ऑल्सो नीड सम एनवायरमेंट ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके राइट सो बोथ आर रिक्वायर्ड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ओके सेकेंड थिंग पैसिविटी वर्सेस एक्टिविटी यानी कि आपका जो ग्रोथ फेज जो डेवलपमेंट फेज है क्या वो पैसिव है धीरे 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 अपने आप हो रहा है या एक्टिव है यानी कि आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है आप कुछ नहीं करोगे तो भी ग्रोथ डेवलपमेंट चलता जा रहा है
ओके, तो अगेन हियर वी कम, सम एस्पेक्ट्स, सम एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ग्रोथ और डेवलपमेंट वी कैन से दैट यस दे आर पैसिव इन नेचर. मेनली फिजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अभी आपने हाइट की बात करी थी, तो ऑल्दो हाइट कैन ऑल्सो बी एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि जितना आप काम करोगे, वर्कआउट करोगे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगे, उतना आपका हाइट एनहांस होता है बचपन के टाइम में, राइट, ड्यूरिंग दोस चाइल्डहुड डेज. तो एक्टिविटी का ज्यादा रोल है कि पैसिवली आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ चल रही है. अगेन दैट इज वन मोर पार्ट ऑफ डिबेट हेयर. देन थर्ड कॉन्फ्लिक्ट हेयर इज वेदर द ग्रोथ पैटर्न इज स्पॉन्टेनियस और डिसकॉन्टिन्यूस. नाउ हेयर यू कैन सी दिस ग्राफ्स ऑल्सो, ना, दिस इज स्पॉन्टेनियस, this is discontinuous. ठीक है, discontinuous says that it is in stages. We lie in particular stage, और हम उसी stage में थोड़े time के लिए रहते हैं, then we just go and shift to another stage. Infancy हुआ, childhood हुआ, फिर हमारा adolescence हुआ, फिर adulthood हुआ, तो ऐसे हम stages में jump करते हैं, discrete stages. ऐसा कुछ लोगों का मानना है. Then few people think that it is a continuous process. यहाँ पे कोई डिस्क्रीट प्रॉपर स्टेजेस नहीं आती हैं, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ओके, सो ये दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इज इट फाइन टिल हियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम. ओके, सो दिस इज द थिंग व्हिच आई गेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये वाला पार्ट ना. ठीक है, एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे, जैसे डेवलपमेंट जब नेचर वाइज होगा तो इनेट होगा. एग्जाम्पल के लिए जैसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ओके, विद इन आवर नर्वस सिस्टम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एग्जिस्ट करता है, जिसकी से लैंग्वेज अडेप्ट कर पाते हैं. दैट इज अ नेचर अप्रोच. और नर्चर अप्रोच क्या कहेंगे, कि हमें एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है अपनी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि अगर हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, तो जरूरी नहीं है वो आपका जेनेटिक सिस्टम की वजह से हो, इट कैन बी नर्चर बेस्ड. ओके, बट अगेन एज साइकोलॉजिस्ट अग्री टू द पॉइंट, इट इज इंटरेक्शन ऑफ बोथ. राइज ऑफ स्टेबिलिटी वर्सेज प्लास्टिसिटी डिबेट. तो एक डिबेट और आई है, स्टेबिलिटी वर्सेज प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब क्या होता है, आपका जो चेंजेस आप में आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो स्टेबल चेंजेस हैं, क्या या फिर वो क्या मेलिएबल चेंजेस हैं. ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पे क्या था, आपको सिचुएशनल इश्यूज की वजह से यू आर इन स्ट्रेस, बट इज इट अ स्टेबल चेंज और अ मेलिएबल चेंज, मतलब इट मे गेट वापस से रिवर्स हो सकता है ना, नॉर्मल आप वापस लौट सकते हो. तो ये भी एक नई डिबेट शुरू हुई है, कुछ चेंजेस होते हैं जो शायद स्टेबल रहे और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्टेबल ना रहे. दिस वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द रिसर्च डिजाइंस व्हिच आर स्पेसिफिक फॉर दीज टू स्टडी दीज डेवलपमेंट प्रोसेसेस. जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हो, तो हम उसके रिसर्च डिजाइन की जरूर एक बार बात करते हैं, बिकॉज इट हैज सम यूनिक सेट ऑफ रिसर्च डिजाइन. फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो बहुत फेमस है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, देन क्रॉस सेक्शनल एंड देन सीक्वेंशियल. नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, एज यू कैन सी हियर, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड ए इज 2 years ओल्ड इन 2004. लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे. मतलब एक बच्चा, जैसे आप मेरे ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हेन आई एम 2 years ओल्ड, आपने मेरा परसेप्शन देखने की कोशिश करी, मैं डेप्थ से डरती हूँ कि नहीं. ठीक है, व्हेन आई एम 4 years ओल्ड, आपने फिर वही चीज मेरे ऊपर चेक करी. व्हेन आई एम 6 years ओल्ड, तो आपने फिर मेरे पे चेक किया. क्या हो रहा है कि जब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, आप वैसे वैसे ही मुझ पर ही रिसर्च करते जा रहे हो, और जरूर कोई आप की एस्पेक्ट लेके चलोगे जिसको आप स्टडी करना चाहते हो अलोंग विद द एज. एज द पर्सन एजेस, जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें उस पर्टिकुलर बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल जो
फॉर जो कॉग्निटिव लर्निंग की हम थियोरीज पढ़ेंगे, नॉट कॉग्निटिव लर्निंग बट जो डेवलपमेंटल सेटअप में हम पढ़ेंगे पियाजे की, जब हम पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब वहां के वहां पे अगर हम एक ही बच्चे को पकड़े रेदर देन बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एज ग्रुप में, अगर हम एक ही बच्चे को लें और जैसे जैसे वो बच्चे की एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम उसको स्टडी करते जाएं कि उसका कॉग्निशन कैसे काम कर रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाएगी। क्लियर है ये? यस मैम। क्रॉस सेक्शनल में क्या हो जाएगा, अगर आप उस पियाजे की स्टेजेस को पढ़ने के लिए एक साथ अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे ले आओ, ये 2 साल का बच्चा ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये क्या मुझे आउटपुट दे रहा है कि एक ग्लास में पानी इतना है, एक कटोरी में पानी इतना है, तो वो किसको ज्यादा बता रहा है, तो द पर्सन विल सी 2 साल का बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, 4 साल का क्या दे रहा है, 6 साल का बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, एक ही फ्रेम ऑफ टाइम में अलग अलग बच्चे स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप के एक ही फ्रेम ऑफ टाइम में। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ओके, देन वी हैव सीक्वेंशियल रिसर्च डिजाइन। अब इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल में क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन को कंबाइन कर दिया जाता है, दोनों टाइप की स्टडीज को कंबाइन कर दिया जाता है। ओके, सो यू कैन सी एज 2, एज 4, एज 6, एज 2, एज 4, एज 6, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2002, 4 और 6, तो ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल फेज, राइट। देन एक साथ जब आप एक ही ईयर में, आप देखो इस ईयर को स्टडी करो, एक साथ डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल फेज, राइट। क्लियर है ये? यस मैम। अभी इन्होंने क्या किया, बस दोनों स्टडीज को आपस में कंबाइन कर दिया, तो आपने एक एज ग्रुप अभी ले लिया, यहाँ पर आपने दूसरा एज ग्रुप लिया, लेकिन उसके साथ ये वाला एज ग्रुप लिया और इसके साथ दूसरा एक और एज ग्रुप ले लिया, और उसके नेक्स्ट ईयर में आपने ये दोनों तो लिए ही लिए, ठीक है, बट एक और एडिशनल ले लिया। ओके, अब आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, बस एज ग्रुप कंबाइन होते जा रहे हैं, तो यू विल गेट मोर प्रोडक्टिविटी इन योर रिजल्ट्स। आपको सिक्वेंशियली भी मिलेगा कि एक सेम बच्चा दो साल में, 4 साल में, 6 साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, और डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रेन का भी आउटपुट मिलेगा आपको, और 2 साल की उम्र के बच्चे ओवरऑल साल साल जब बढ़ते जा रहे हैं तो वो कैसे उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं वो भी स्टडी करने को मिलेगा आपको। आप इस स्लाइड को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए एंड मुझे जस्ट थोड़ा सा पॉज लेना है।
ओके सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो इधर तक. सीक्वेंशियल रिसर्च डिजाइन में नो मैम. इस तरीके के डिजाइन से ना हमें वो स्टडी करने को भी मिलता है लाइक तो मुझे याद नहीं आ रहा है बट हम ये स्टडी करते हैं ना लाइक बाय अ डिकेड 10 साल बाद बच्चों का आईक्यू कितना है. पुराने इन 1990s बच्चों का आईक्यू कितना रहता था अभी 2000 में कितना रहता है. जनरेशन गैप नहीं होता है इससे पता चल जाता है. जनरेशन वाला देखा. हाँ जनरेशनल वाला वो स्टडीज भी इसी के थ्रू पता चलती है बिकॉज आप ये देखो ना ये एज टू यहाँ पे ये सेम बच्चा नहीं है ऑल्दो सेम बच्चे की स्टडी नहीं कर रहे हैं लेकिन सेम एज ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं इन डिफरेंट इयर्स. ठीक है तो वहां पे वो जो जनरेशनल चेंजेस आते हैं ना हमारे अंदर वो भी इससे स्टडी हो जाते हैं. ओके देन वी हैव अनदर सेट ऑफ डिजाइन दैट इज माइक्रो जेनेटिक डिजाइन. नाउ ये लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन जैसा ही है बट इसमें हमें इयर्स तक जाने की जरूरत नहीं है. माइक्रो जेनेटिक इज वेरी छोटू सा मतलब आप अभी एट दिस टाइम बच्चे को कोई टास्क दोगे ना बच्चा क्या करेगा शुरुआत में जो भी आप ऑब्जेक्ट दोगे आप भी खिलौना दे रहे हो तो वो उसे खेलने उसके उसको मैनिपुलेट करेगा उसके साथ खेलेगा कुछ कुछ करता रहेगा. ग्रेजुअली हो सकता है उसको समझ में आ जा रही है इसमें तो एक बटन भी है जिसमें से आवाज आ रही है राइट तो धीरे 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 वो लर्न करता जाएगा और अपने साइकोमोटर स्किल्स को भी यूज करेगा. तो वो जो ईच एंड एवरी स्टेप पे जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं द वे ही इज यूजिंग हिज साइकोमोटर स्किल्स कॉग्निटिव स्किल्स उसको हम पकड़ते हैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. बहुत माइन्यूट चेंजेस कैसे कैसे बच्चे के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं. स्टेप वन क्या था स्टेप टू क्या था स्टेप थ्री क्या था इन गिवन फ्रेम ऑफ टाइम. यहाँ पे हम इयर्स की बात नहीं कर रहे हैं मतलब एक घंटे के अंदर ही आप मेजर कर लोगे बच्चे ने क्या क्या चेंजेस शो करे. दैट इज माइक्रो जेनेटिक डिजाइन. ठीक है तो जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में उसमें काफी माइक्रो जेनेटिक स्टडीज भी हुई है. ओके छोटे छोटे चेंजेस जहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे के अंदर एंड एक्चुअली इट गिव अस इनसाइट कि कैसे बच्चे के अंदर चेंजेस हो रहे हैं. एंड बहुत इंटेंसिव स्टडी रहता है ये जिसमें मैंने बताया मूवमेंट बाय मूवमेंट चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. ओके और लेकिन इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो क्योंकि बच्चा एक चेंज से दूसरे चेंज पे कब शिफ्ट हो रहा है एट टाइम दैट इट डिफिकल्ट टू गेट इट. ठीक है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये कब क्या चेंज आया और क्यों और कैसे आया. और अगर बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए वही चीज आप बार बार करा रहे हो तो प्रैक्टिस इफेक्ट से ये जो आउटपुट है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है. ओके अदरवाइज जो हमने बाकी तीन टॉपिक्स सॉरी रिसर्च डिजाइन किए उसमें लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा अगेन यू नो आप ओवर द टाइम एग्जामिन कर पा रहे हो डेवलपमेंटल एनालिसिस अच्छे से हो रहा है. टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव. पार्टिसिपेंट एट्रीशन मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट टिकते कहाँ है. आप इमेजिन करो आपको एक बंदे पे रिसर्च करनी है पर वो एक बंदा आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा लाइफ के हर फेज में राइट. और उसमें भी प्रैक्टिस इफेक्ट्स हो सकता है कि बच्चा अगर बचपन से एक ही टास्क आप बार बार करा रहे हो तो उसको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसका असर भी आउटपुट पे पड़ेगा. ओके देन क्रॉस सेक्शनल में क्या है एग्जामिन चेंजेस बिटवीन पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट एजेस दैट यू नो. ठीक है तो इसमें एज रिलेटेड चेंज आप जान पाओगे. ओके इसमें लेकिन चेंजेस ओवर टाइम जो लॉन्गिट्यूडनल में आप कर रहे थे वो इसमें आप नहीं कर सकते हो. ओके सीक्वेंशियल में क्या हो जाएगा अगेन कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड. ओके एंड जो हम जनरेशनल ओवरऑल बात कर रहे थे ना कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ इसमें मेजर हो सकता है ना तो वो इसमें होगा ना तो वो इसमें होगा. ओके तो ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे चेंजेस की वो इसी तरीके से हो सकता है मेजर सिक्वेंशियल तरीके से. बट अगेन दिस टेक्निक कैन बी एक्सपेंसिव इन नेचर और प्रैक्टिस इफेक्ट्स इसको भी इसके आउटपुट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इज इट फाइन टिल हियर टू एवरीवन. यस मैम.
किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो मैम। ओके, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस और इट कैन बी सिक्वेंशियल ऑल्सो। तो माना जाता है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, एक सीक्वेंस फॉलो होती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सबका अलग अलग रेट चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो पहले एक जनरल डेवलपमेंट होती है, उसके बाद स्पेसिफिक। सपोज अगर मैं अपने हैंड मूवमेंट्स की भी बात कर रही हूँ, तो पहले पूरा हाथ मूव करना सीखूंगी, उसके बाद फाइन फिंगर मूवमेंट सीखूंगी। ठीक है, मोस्ट ट्रेट्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, हम जितने भी ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, दे आर टेंड टू बी कोरिलेटेड। आपस में उन सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट बोथ। इट इज प्रिडिक्टेबल। ग्रोथ हम पढ़ी इसलिए रहे हैं बिकॉज इट इज समहाउ प्रिडिक्टेबल इन नेचर। अगर हमें एक बार ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया है, तभी तो हम फिगर आउट कर पाएंगे कि अगला फेज बच्चे का क्या होगा, और उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। अब बच्चों का जो पुबर्टी आने वाला होगा, तो वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, राइट? एंड वी विल डेफिनेटली टेक सर्टेन प्रिकॉशंस फॉर दैट, कि कैसे डील करना है बच्चों को उस वक्त। इट ब्रिंग्स अबाउट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। तो डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे और फंक्शनल लेवल पे भी चेंजेस आएंगे। एंड देयर इज कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। बात वही है, जितने भी एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, दे कोरिलेट, दे इंटरैक्ट। चाहे आपका कॉग्निटिव हो, चाहे साइको मोटर हो, या कोई और अदर एस्पेक्ट हो, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओके, दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स। Now, what are the factors which are influencing development? Heredity and genetic factors की अगर हम बात करें तो are phenotype। ठीक है, genetic factors, हमारा phenotype क्या होता है, जो अगेन मेरे हाथ कैसे है, आंखें कैसी है, face कैसा है, ये सब मेरा phenotype है। ठीक है, और मेरा phenotype भी मेरे genotype पे, यानी कि मेरे genetic setup पे depend करता है। मेरा क्या दिख रही हूँ, कैसे दिख रही हूँ, मेरे parents से आया होगा, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन माय जीनोटाइप, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स, रेस, सेक्स, बायोरिदम एंड मैच्योरेशन। बायोरिदम इज योर इनसाइड क्लॉक, बॉडी कैसे काम कर रही है अंदर से। ठीक है, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो कि मेरे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो माय फिजिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, फिजिकल सराउंडिंग्स में सब कुछ आता है। अगेन किस देश में रह रही हूँ, फैमिली सेटअप कैसा है, बाहर नेचर कैसा है, हाइजीन मेंटेन्ड है नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एवरीथिंग विल कम। देन सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स में आ जाएगा, इट इज मोर ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, इवन दैट इन्फ्लुएंस वंस डेवलपमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट फेज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या क्या एस्पेक्ट्स हम डील करते हैं? वन इज अगेन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग कैपेसिटी, थॉट, लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी, ये सब यहाँ आ जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड सोशल डेवलपमेंट, द वे यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। ठीक है, खुद को कैसे जानते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे काम कर रहे हैं, ये आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है। And we'll study all these aspects of development. ठीक है? Now, what are the major stages of development? Stages क्या क्या है? Prenatal, from conception to birth. Prenatal is जब बच्चा conceive होता है, गर्भ में conceive होता है, सिर्फ conception से लेके birth तक इस prenatal phase, हम उसको भी study करेंगे।
ठीक है, जब बच्चा एक्चुअली बॉर्न होता है ना, उससे पहले उसकी क्या ग्रोथ स्टेजेस हैं, क्या डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे. दैट इज प्रीनेटल फेज, इन्फेंसी फेज यानी कि बर्थ टू एज टू, अर्ली चाइल्डहुड फेज, मिडल चाइल्डहुड फेज 7 to 11, एडोलेसेंस 11 to 20, यंग एडल्टहुड 20s to 40s, एंड मिडल एडल्टहुड 40s to 60s, एंड लेट एडल्टहुड इज 60s ऑनवर्ड्स. अब जहां तक इस एज ग्रुप्स की बात है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई है, दे वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक. ठीक है, हो सकता है कुछ बुक में कुछ दिया और कुछ में कुछ. ऑल्दो थ्रू आउट दिस पीपीटी ओनली वन बुक इज फोकस्ड एंड फॉलोड, दैट इज लॉरा ई बर्ग, दैट इज द वेरी फेमस बुक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. पूरा आई गेस पूरा पीपीटी उसी से डिजाइन है ये, तो आई गेस इस पे कुछ वो नहीं रहेगा, कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं रहेगा इसमें. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक स्टेजेस जो हम स्टडी करेंगे, जिसके जिसमें हम एक्चुअली ऑल दी एस्पेक्ट स्टडी करेंगे थ्रू आउट ऑल दीज एजेस. आप देखेंगे, आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हो, वो थ्योरीज भी उन्होंने इसी तरीके से डिजाइन करी है, राइट? अभी हमने पर्सनालिटी में एरिक्सन की थ्योरी स्टडी करी थी, इवन दैट इज डिजाइन लाइक दिस एज वाइज, है ना? तो इसी तरीके से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेजेस में क्या काम होता है. एक मिनट, ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बेस ऑफ इट, जेनेटिक फाउंडेशन अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. तो क्या जेनेटिक फैक्टर्स कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम जानते हैं. जेनेटिक्स आई गेस यू ऑल नो इट इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है, दैट इज हेरिडिटी. ठीक है, नाउ एक बेसिक चीज आप एक बार जान लें, रिवाइज कर लें. वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव दिस बॉडी, एंड दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, राइट? इतना पता है हम सबको? यस मैम. विद इन द सेल न्यूक्लियस होता है, ये भी हम सबने स्कूल में पढ़ा था. द मेजर सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस. Yes, ma'am. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका सारा जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो इनिशियली वो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में. ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल. बहुत सारे डीएनए मिलके उस क्रोमोसोम को बना रहे हैं. हम पढ़ते हैं ना दैट वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पढ़ा है ना ये तो हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 22 autosomes होते हैं और 1 pair sex chromosome का होता है, right? So all these chromosomes क्या हैं? Chromosomes are actually composed of what? DNA. DNA combine करके chromosome बना रहे हैं, right? और DNA भी किससे बना है? If you have this DNA, ये पूरा अगर आपका DNA है, तो DNA is made up of what? Genes. तो सबसे छोटी यूनिट आपकी जीन्स है. यहाँ पे जीन्स डीएनए बना रही है, डीएनए क्रोमोसोम बना रहा है, जो कि न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस सेल का पार्ट है और सेल हमारी बॉडी का पार्ट है और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है. समझ आया ये? यस मैम. Now chromosomes are made up of DNA, that is deoxyribonucleic acid. ये DNA का full form है, deoxy. Although ये जो नाम है, ये इनके chemical composition की वजह से है. Deoxy मतलब जिसमें oxygen नहीं होता है. Ribonucleic acid amino acid का एक नाम है, जिसके अंदर ribo sugar group हटा दिया जाता है. ठीक है, तो ये नाम बहुत scientific नाम है और उनके structure की वजह से ये नाम उनको मिले हैं.
ओके ना, डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर, दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे पे दे आर वाइंड अराउंड, ठीक है, एक स्पाइरल क्रिएट होता है. और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये किसके बने हैं, शुगर और फॉस्फेट से बनते हैं ये स्ट्रैंड्स. ओके, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पे मेंशन है ना, ये शुगर और फॉस्फेट से बनते हैं. और इन स्ट्रैंड को जो लिंक कर रहे हैं जो केमिकल एलिमेंट्स, उनको हम बेस बोलते हैं, ये बेस पेयर है. इन दो स्ट्रैंड को जो जोड़ रहे हैं ना, ये बेस पेयर है, ठीक. अब बेस पेयर चार टाइप के होते हैं, मतलब बेस पेयर दो टाइप, बट इन बेस को बनाने वाले जो अमाइन्स हैं वो चार टाइप के हैं, ठीक है, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानीन, साइटोसिन. इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ए टी जी सी, ए टी जी सी बोलते हैं, ठीक है. ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करता है, जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करता है, ए टी जी सी. यहां तक क्लियर है अभी? यस मैम. यस मैम. ओके, सो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है. और यही पेयरिंग होती है जिससे हमारे जीन्स क्रिएट होते हैं बेसिकली. जिससे ए और टी में सिंगल रहता है, ए और टी में सिंगल बॉन्ड रहता है. हाँ शायद सही कह रहे हो. नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं सुन नहीं पा रही. एक मिनट, लेट मी कंफर्म. एटीजीसी, नहीं नहीं सही है, एटी में डबल बॉन्ड रहता है, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, सही है. ओके मैम. अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जिसका अभी आपके लिए अभी बहुत ज्यादा काम नहीं है. बट ए और टी एडिनिन है और जो थाइमिन है, ये अमीन ग्रुप से दोनों कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के, और दे फॉर्म डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डिंग रहती है ए और टी के बीच में, और जी और सी के बीच में ऐसे तीन ग्रुप्स आते हैं जिसकी वजह से दे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जी सी ट्रिपल बॉन्ड, ए टी डबल बॉन्ड रहता है. ओके, देन बेसिकली ये जो हमने एटीजीसी पढ़ा ना, यही होते हैं ये जो कोड्स क्रिएट करते हैं, जेनेटिक कोड क्रिएट करते हैं. जेनेटिक कोड की अगर नाम आप लोगे ना, तो वो एटीजीसी की फॉर्म में ही होते हैं. मतलब बेसिकली जो कोड, जेनेटिक कोड होते हैं, वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल ये डीएनए में ए टी जी सी ए टी ऐसा कुछ है मे बी, ठीक है, ऐसे इनकी पेयरिंग हो रखी है अभी. तो जो कोड जनरेट होगा ना, वो ऐसे जनरेट होगा लाइक दिस, टी सी और टी, इस तरीके से. तो ट्रिपलेट फॉर्म में कोड जनरेट होते हैं, जेनेटिक कोड, जिससे बाद में कोडिंग होगी कि इसका क्या मतलब है, और उससे प्रोटीन फॉर्म होगा. जैसे आपके हेयर कलर का एक कोड होगा, वहां पे एक ब्लूप्रिंट है, कोड है, उसके बाद उस कोड को वापस से वो उसको क्या बोलते हैं, कोड को कोडिफाई करेंगे कि क्या मतलब है इसका, और वो पर्टिकुलर प्रोटीन जनरेट करेगा, और वो प्रोटीन आपका हेयर आपके या स्किन को डेवलप करेगा, ठीक है. अभी तक क्लियर है यहाँ पे? यस मैम. ओके, तो दिस अभी सेल, यू ऑल नो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के भी अंदर क्या है, जी. तो ये सीक्वेंस सॉर्टेड है. अब
अगेन दिस इज जस्ट सिमिलर थिंग जो बार बार रिवाइज हो रहा है आपका. सो क्रोमोसोम था, डीएनए था, डीएनए में जीन है, जीन विल मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन. ओके, सो दिस जेनेटिक सेटअप इज योर ब्लूप्रिंट. आप कैसे दिखोगे, कैसे बिहेव करोगे, काफी हद तक हमारा जेनेटिक सिस्टम डिसाइड करता है. ठीक है, ऑल्दो एनवायरमेंट का रोल रहता है, बट यस वी हैव ऑलरेडी सर्टेन ब्लूप्रिंट्स. नाउ कमिंग टू द क्रोमोसोम पार्ट, एज यू ऑल नो दैट वी हैव दिस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड लास्ट वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. सो 22 ऑटोसोम्स, इसका काम क्या है? ये हमारी सारी बॉडी गवर्न कर रहे हैं. हमारे कौन सा बॉडी पार्ट कैसे काम करेगा, बॉडी में कौन सा सेल एंजाइम कब बनेगा, कैसे फंक्शन करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय ऑटोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम विल डिसाइड आवर जेंडर. ओके, मतलब इट विल एक्चुअली डिसाइड आवर सेक्स. बेसिकली बायोलॉजिकली हमारा सेक्स डिसाइड करेगा वेदर वी आर गोइंग टू बी मेल और फीमेल, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय सेक्स क्रोमोसोम. सो अगर As mentioned here, अगर X और Y होता है ना, तो जब X और Y होता है तो it will result in boy, okay, boy child. और अगर sex chromosome में दोनों में ही X आ जाता है तो it will result into a girl child. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now, how this actually happens? DNA duplicate itself by process of mitosis. हमारे अंदर जो DNA है जिसमें सारी genetic information है ना, वो खुद को divide करता रहता है, duplicate, replicate करता है, double होता रहता है. ठीक है, जैसे ये एक DNA strand था आप देख रहे हो, अब क्या होएगा, gradually ये separate हो गया strand. अब ये जो separate हो गया ना, यहाँ पे एक और नया strand बनना शुरू हो जाएगा उसके साथ ATGC pairing करके, और यहाँ पर एक और नया स्ट्रैंड बन रहा है. तो इससे क्या होगा, एक डीएनए था लेकिन अब दो डीएनए बन गए एक ही डीएनए से, फिर इससे दो और बनेंगे, इससे दो और बनेंगे. दिस वे इट गोज ऑन. ओके, सो सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, सिंगल सेल, यू कैन सी सिंगल सेल जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है. ठीक है, जब जायगोट किसको बोलते हैं, जब फीमेल ओव्यूम मेल स्पर्म जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तब हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया है. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनता है उसको हम जायगोट बोलते हैं. ये हमारी सबसे बेसिक स्टेज है, दैट इज जायगोट. इज इट क्लियर टू एवरीवन जायगोट क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है. Now this zygote multiplies to form complex human being. ठीक है, zygote single cell है. Now अब वो divide कर रहा है. Divide करने का procedure ये है. ठीक है, इस तरीके से वो divide करेगा. एक cell से दो cell, दो से चार cell. ठीक है, चार पार्ट generate होंगे. इस ratio में वो बढ़ता चला जाएगा. और वो अलग अलग स्टेजेस में एंटर करेगा. सेल हमारे मल्टीप्लाई होंगे. मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होते हैं, सेल्स डिफरेंशिएट होने शुरू होते हैं. यानी कि कौन सा सेल हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, ये ग्रेजुअली शुरू हो जाता है प्रोसेस और एक एम्ब्रियो बनता है. तो जायगोट से जब डिविजन शुरू होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट से फिर फर्दर जब सेल डिफरेंशिएशन शुरू होता है तो एम्ब्रियो बनता है. और फाइनली जब एम्ब्रियो भी पूरा डेवलप हो जाता है तो फीटस बनता है एंड द चाइल्ड इज रेडी टू कम आउट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप ध्यान में रखोगे. ईच न्यू बॉडी सेल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आपका हर सेल, बॉडी का हर सेल, इसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड द आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, तभी डीएनए टेस्टिंग होएगी. तो वो किससे हो जाती है, आपके बाल से भी हो जाएगी, आपके नेल से भी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हर सेल एक ही है,
हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम का सेट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम है, वो भी ऊपर नीचे नहीं है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेम है हमारी. क्यों सेम क्यों है, व्हाई इज इट सेम? सेम कैसे आ रही है, ये प्रोसीजर क्या था, सेम क्यों है इंफॉर्मेशन हमारे अंदर हर सेल में? क्योंकि मैम वो एक ही सेल से विभाजित हुई है ना, एक ही डीएनए से. राइट, एक ही डीएनए से सब कुछ तो निकला है ना, एक ही डीएनए था, वो ही अपने आप की कॉपीज बनाए जा रहा है, वो ही खुद को डुप्लीकेट कर रहा है बार बार. तो इसलिए हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम है, सेम जीन है. ठीक है मैम, इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे कि अगर हमारा हेयर है तो हेयर में जो डीएनए है वो सिर्फ हमारे हेयर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी कर रहा है, वो हमारे पूरी बॉडी की, चाहे वो मतलब आई कलर हो या हमारी हाइट हो, सबकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, सबकी सबकी बैकअप, पूरा बैकअप कैरी कर रहा है इनफैक्ट. यस, ठीक है, तो एवरीथिंग इज कैरिड है. नाउ कमिंग टू दिस अगेन, माइटोसिस, अभी हमने यही डिस्कस किया ना, ये जो सेल है ये डिवाइड हो रहे हैं, किस प्रोसेस से डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं. माइटोसिस को ही हम बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन. Why सोमैटिक? बिकॉज ये बॉडी के सेल्स की बात हो रही है, कैसे हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, कैसे ये बॉडी फॉर्म हो रही है, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं. इसके फेजेस होते हैं, स्टेजेस होती है, ये कैसे कैसे होता है. ठीक है, ये स्टेजेस हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, डाउट हो तो पूछना, कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, प्रोफेज, स्टार्टिंग विथ प्रोफेज. ओके, पहला फेज है प्रोफेज. पहला, यू कैन सी दिस इज अ सेल, यहाँ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम आप देख सकते हैं. ओके, क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में है, प्रॉपर प्रॉपर कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं. और यहाँ पर देयर इज स्पिंडल फॉर्मेशन, डेवलपिंग बायपोलर स्पिंडल. आप देख सकते हैं ये बायपोलर स्पिंडल है जिसमें से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं. ठीक है, ये पहला स्टेज है. नाउ प्रो मेटाफेज. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस फेज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये रहा इंटैक्ट है, लेकिन जो न्यूक्लियर एनवलप था वो फ्रेगमेंट हो गया. ये जो न्यूक्लियर एनवलप था वो फ्रेगमेंट हो गया. ओके, सो न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो गया, स्पिंडल जो फाइबर थे ये एंड पे चले गए, यहाँ पे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल पोलर एंड पे चले गए, स्पिंडल जनरेट हो रहे हैं. ये जो धागे, ये जो स्पिंडल है, ये क्या काम करेंगे, आपके क्रोमोसोम को बांधेंगे, अलाइन करेंगे और उनकी पोजीशन डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम का था, क्रोमोसोम वो इन स्पिंडल के साथ अटैच हो गए. ठीक है, अब उनकी मूवमेंट डिसाइड होगी. अब आएंगे वो मेटाफेज फेज में. मेटाफेज, मेटा में क्या होता है, ये आप सेंटर में एक प्लेट देख रहे हैं, यहाँ पर सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, सारे क्रोमोसोम यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे. ये क्रोमोसोम इस स्पिंडल के साथ इस नाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से अटैच्ड है. ठीक है, ये ट्यूब्यूल उनको मदद कर रहा है स्पिंडल के साथ अटैच होने में. ये अब यहाँ पर अटैच हो गए हैं, बीच में इक्वेटर प्लेट बोलते हैं जिसपे सारे क्रोमोसोम्स आके अटैच हो गए. नाउ आफ्टर मेटाफेज एना फेज विल कम. मेटा के बाद एना आएगा. एना में क्या होगा, ये स्पिंडल अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को. तो क्रोमोसोम आप देखो अगली फेज में क्या हो रहा है, दे जस्ट ब्रोक ऑफ, है ना, दो स्ट्रैंड थे क्रोमोसोम के अंदर, दे ब्रोक ऑफ, अपोजिट अपोजिट पोल्स की तरफ दे आर गोइंग. Here you can see they are going to towards the opposite poles, अलग अलग direction में जा रहे हैं. ठीक है, pull हो रहे हैं. Then another phase will be telophase. Anaphase के बाद telophase, इसमें जब ये separate हो जाते हैं तो आपका जो cell membrane होता है ना वो यहाँ से divide होना शुरू कर देता है. Cell दो parts में divide होना शुरू कर देता है आपका.
ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म होने लगता है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे एक न्यूक्लियर एनवलप वापस से बनने की कोशिश कर रहा है अराउंड ईच ट्यूब्यूल, ओके, अराउंड ईच क्रोमोसोम्स, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस विल हैपन, यानी कि सेल विल कंप्लीटली ब्रोक ऑफ, यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरा पंच हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ओके। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो ये क्लीवेज फरो क्रिएट कर रहा है। लास्ट में ये सेंट्रियोल के पेयर्स हैं, इधर भी और उधर भी, ठीक है। और न्यूक्लियर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का फिर से एक नया मेंबर मेम्ब्रेन बन गया, यहाँ पे भी एक नया मेम्ब्रेन बन गया है, इसके पास भी क्रोमोसोम है, इसके पास भी क्रोमोसोम है, देख सकते हो आप, यहां से हम शुरू हुए थे। नाउ वी आर एंडिंग अप हेयर विद टू सेल्स विद क्रोमोसोम्स। यस मैम, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई सेंड अ वीडियो ऑल्सो इसको एक बार समझने के लिए, मैं एक यूट्यूब वीडियो भी भेजूंगी आपको, छोटी सी होगी, 3-4 मिनट की, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा दिन भर में एक बार देख लेना, सारा रिवाइज हो जाएगा। ओके मैम, ओके। सो गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल, आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें। गैमेट्स का क्या रोल है, गैमेट्स क्या होते हैं? They are reproductive cell used during sexual reproduction to produce a new organism called a zygote, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो gametes क्या है, reproductive cell है जो sexual reproduction के through एक नया organism generate करेंगे, जिसको हम zygote बोलेंगे। और gamete कौन है, sperm gamete है, male gamete है sperm, female gamete कौन सा है, egg या फिर ova। और जब एग और स्पर्म कंबाइन होते हैं तो जायगोट बनता है, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जायगोट बनता है। और जायगोट से कैसे हम बनते हैं ये अभी हमने डिस्कस किया था, क्लियर है ये? यस मैम, यस मैम। मैम अभी जैसे हमने माइटोसिस की बात की, तो ऐसे ही मियोसिस भी है। माइटोसिस में अभी आपने बताया कि जैसे हमने किया तो टू सेल डिवाइड, उसमें डिवाइड हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा माइटोसिस के प्रोसेस में टू डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है। यस, एंड मैम मियोसिस में दो जनरेट हो रहे हैं। हाँ हाँ मैम, मियोसिस में फोर होगा कि टू होगा, मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, मियोसिस और माइटोसिस। और अभी हम मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है मैम, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा मेयोसिस वाला डाउट आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम। सो गैमेट्स की अभी हमने, तभी तो हमने गैमेट शुरू करा है, अभी मेयोसिस अब आएगा, ठीक है। सो गैमेट्स आर फॉर्म थ्रू अ सेल डिवीजन, ये स्पर्म और जो ओवा हमने बात करी, ये क्या है, सेल्स हैं, ये भी स्पर्म सेल होता है, ओवम सेल होता है, राइट, पर ये सेक्स सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और ये सेल कैसे बनते हैं, ये माइटोसिस से नहीं बनते हैं, पूरी बॉडी माइटोसिस से बनती है, पर गैमेट्स नहीं बनेंगे। हाँ जी, मतलब मैम जो स्पर्म्स और ओवम सेल्स हैं, ये इनमें सिर्फ मियोसिस से होगा डेवलप, मतलब इनका फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, मियोसिस, और बाकी पूरी बॉडी में माइटोसिस से होता, माइटोसिस होता है, राइट, ओके ओके, ठीक है। तो जो गैमेट्स हैं वो मेयोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, ओके। गैमेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान दो इस बात को, 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो अभी हमने पढ़े थे बॉडी से, मतलब जेनेटिक कोडिंग की बात नहीं हो रही है, बाकी पूरी बॉडी में जेनेटिक कोडिंग है, और गैमेट्स में ये 23 क्रोमोसोम्स हैं जो पास ऑन होंगे फिर। हाँ, मतलब जेनेटिक कोड की बात नहीं कर रहे हम, हम ये कह रहे हैं जो अभी हमने माइटोसिस पढ़ा ना, या हम बॉडी सेल की बात कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। आपके किसी भी बॉडी सेल के अंदर जब क्रोमोसोम होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। हाँ यस मैम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। आपके सोमेटिक सेल्स हैं, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। जैसे अभी बात करी थी ना आपके बाल में से अगर हम
टेस्ट करें तो वहां 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे जो गैमेट्स होते हैं उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं होता है. ओके मैम, ठीक है. अभी पीछे चार्ट नहीं पढ़ा था, वी ऑल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग में होता है. Yes, और क्यों हो रहा है एक्चुअली 23 क्रोमोसोम क्यों है आप बताओ? क्योंकि स्पर्म की अगर मदर और फादर का अलग अलग है ना, स्पर्म में है ना, स्पर्म मदर का अलग, मदर में ओवम है, फादर में स्पर्म है, फादर से वाई आएगा, मदर से एक्स आएगा, वो दोनों कॉम्बिन होंगे तभी तो एक्स वाई बनेगा. एक्स वाई एक पेयर है पूरा, ठीक है, जिसमें से एक्स मदर से आ रहा है, वाई फादर से आ रहा है. तो हम उस एक्स वाई की बात कर रहे हैं जो फादर से आ रहा है और जो मदर से आ रहा है, तो वो तो आधा ही सेट लेकर आएगा ना, दोनों मिल जाएंगे तभी तो वो पूरा बनेगा. अगर पापा में भी, पापा से भी 43 46 आ रहे हैं, मदर से भी 46 आ रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे का? जरूरत से ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे पास, हमें तो उतना ही चाहिए. हर ह्यूमन बीइंग को 23 पेयर चाहिए, यानी कि 46 क्रोमोसोम ही चाहिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. तो आधे क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं? फादर से और आधे मदर से, और वो आते हैं उसके बाद हमारे अंदर वो 46 का पेयर जनरेट होता है ना. हमारे में फादर के भी फीचर्स हैं, मदर के भी फीचर्स हैं. क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस मैम. ठीक है, और एक स्पेशल इवेंट जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, विच अकर्स टू क्रिएट न्यू हेरिडिटरी कॉम्बिनेशन. तो ये माइटोसिस में नहीं होता है, ये सिर्फ मेयोसिस में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, आप देख रहे हो दो क्रोमोसोम है, इन दो क्रोमोसोम में जो इनकी क्रोमैटिड्स है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं इनको, ये आपस में ओवरलैप कर जाती है, क्रॉस ओवर है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है. तो इनका डीएनए आपस में एक्सचेंज हो जाता है, और ये इवेंट आपको सिर्फ मियोसिस में मिलता है. फादर और मदर के क्रोमोसोम आते हैं और आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, इसकी वजह से हम सबके अंदर डिफरेंस क्रिएट होते हैं ना, तो हम फादर की कंप्लीट कॉपी है ना हम मदर की कंप्लीट कॉपी है, एंड वी हैव सम ओन सेंस ऑफ यूनिकनेस आल्सो, राइट. तो वो जो यूनिकनेस है ना हम सबके अंदर कुछ, वो यूनिकनेस इसकी वजह से आ रही है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से. ठीक है. यस मैम. यस मैम. मियोसिस पे आ जाते हैं, आज मियोसिस तक करेंगे. हाँ, इसको मियोसिस को समझ लेते हैं. प्रोफेज वन, अब जो मियोसिस की जब स्टेजेस की बात आ रही है ना, थोड़ी सी आपकी लॉन्ग लगेगा, लेकिन दिस इज क्वाइट सिमिलर. अगर माइटोसिस समझ आता है तो मियोसिस भी समझ आ जाएगा, ठीक है. तो इसके दो सेट होते हैं स्टेजेस के, जैसे हर चीज का सेट वन और सेट टू, प्रोफेज वन प्रोफेज टू, दो फेज में होता है ये. प्रोफेज वन में व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी यहाँ पे अगेन ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है. एक एक्स है, एक एक्स एज्यूम कर लो, एक वाई एज्यूम कर लो, एक फादर से एक मदर से, यू कैन एज्यूम. इसमें भी वही सारी चीजें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, ये स्पिंडल्स पोल पे चले जाएंगे, क्रोमोसोम को अलाइन कर लेंगे मेटाफेज में, ये इक्वेटर पे अलाइन हो गए, ठीक है. अब एनाफेज में क्या होगा, ये उसको पुल बैक करेंगे, तो एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है. टेलोफेज में क्या होगा, ये सेपरेट आउट होने लगेंगे, ये सेपरेट आउट होने लगेंगे, तो आप देखोगे ये ग्रेजुअली सेपरेट हो गए इंफॉर्मेशन, और इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई थी. आप देख रहे हो ब्लू पे रेड लगाए, रेड पे ब्लू लगाए, इन सबके बीच में यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होनी शुरू हो गई थी, तब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, ठीक है. अब टेलोफेज क्या हो जाएगा, ये दो सेल जनरेट हो गए, आधे क्रोमोसोम्स यहाँ पर है और आधे यहाँ पर है, ठीक है. तो यहां से अब प्रोफेज टू शुरू होता है, अगला फेज.
ये दो सेल थे, अल्टीमेटली अब इसमें एक और फेज शुरू होगा हर सेल के अंदर, फिर से ये जो क्रोमोसोम्स थे ये इनमें फिर से मेटाफेज आएगा, ओके और ये वाले जो क्रोमोसोम इसमें थे उसमें भी मेटाफेज आएगा। तो ये जो आपको सेकेंड फेज दिख रहा है ना, दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस का कॉपी है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। क्रोमोसोम्स यहीं पे क्रॉसिंग ओवर यहीं हो गया था इनका आपस में, ठीक है, आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गया था यहीं पे। देन यहां पर जब वो दो सेल जनरेट हुए आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे अभी, तो मेटाफेज टू में वो अलाइन हो गए, एनाफेज टू में वो सेपरेट हो जाएंगे जस्ट लाइक माइटोसिस, और टीलोफेज टू में वो प्रॉपर अब ये वाले सेल्स भी डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू फोर डॉटर सेल्स। कितने सेल्स बने यहाँ पे? फोर डॉटर सेल्स। अभी यहां तक क्लियर है? यस मैम। चार डॉटर सेल्स कैसे बने ये समझ आया? यस मैम। सबको? यस मैम। ओके, अब जो इंफॉर्मेशन आई है ना चार डॉटर सेल्स में, तो हम कहते हैं ये इन चार डॉटर सेल्स को दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। Why haploid? तो हमने कहा ना कि इसमें पेयरिंग पूरा नहीं आता है, 23 क्रोमोसोम आते हैं, तो हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, ईच सेल हैज 23 क्रोमोसोम्स। ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ये क्या है? या तो ये स्पर्म है या तो ये ओवम है। ये जो सेल्स हम पढ़ रहे हैं ना ये क्या है? ये या तो स्पर्म होगा या ओवम होगा। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे इसलिए इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन जो माइटोसिस में हमने पढ़ा थे, माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स आई थी और दो डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो 23 का पेयर था हर एक क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। Is it fine till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो आप साथ 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 रखे हैं, ये मियोसिस वन हुआ, ये मियोसिस टू हुआ। मियोसिस वन में हुई प्रोफेज वन, क्रॉसिंग सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो हम पढ़ रहे थे वो प्रोफेज वन में ही हो गया, ये जो आपस में क्रॉसिंग ओवर होनी थी इन्फॉर्मेशन वो प्रोफेज वन में ही हो गई, ओके। यहाँ पे मेटाफेज वन में टेट्राड जनरेट हुआ, टेट्राड मतलब चार क्रोमैटिड्स है ना, तो ये टेट्राड है, फोर क्रोमैटिड्स आर अलाइन टुगेदर, उसको हम टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक है। मेटाफेज प्लेट पे ये टेट्राड जनरेट हो गया। होमोलोगस पेयर, जो होमोलोगस जो सेम सेम पेयर थे, ये सेम थे ना दोनों, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो गए टीलोफेज में, अलग अलग जोन में चले गए, साइटोकाइनेसिस हुआ, वो सेपरेट हो गए, और यही सेल्स अब जाएंगे प्रोफेज टू के लिए। प्रोफेज टू में ये सेल गए, उसके बाद वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट इन फोर डॉटर सेल्स, और ये डॉटर सेल्स हैप्लॉइड नेचर के हैं, ईच हैविंग ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर। क्लियर है ये सबको? कोई मन में किसी के डाउट आ रहा है तो पूछना। मैम जो हमारा जाइगोट है, जो फर्स्ट सेल है, वो मतलब माइटोसिस से बनकर आया है या वो मियोसिस से बनकर के आया है? जायगोट तो जायगोट जो बना है ना वो आपके ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ना जो अभी जनरेट हुए मियोसिस के बाद, यस मैम, इसके फ्यूजन से बना है।
ओके तो फिर मैम उसके बाद उसमें अब वो जब बन गया है ना उसके फ्यूजन से, जब वो बन अच्छा गया उसके है बाद माइटोसिस होगा, उसके बाद माइटोसिस पूरी हो बॉडी में। जाएगा। अच्छा ओके अब क्लियर हो गया है ना, उसके बाद तो वो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे यस मैम आफ्टर फ्यूजन। क्लियर मैम। ठीक है तो ये मेयोसिस होता ही इसलिए, एक तो हम सब में यूनिकनेस आ पाए, क्रॉसिंग ओवर हो पाए इसलिए, प्लस हमारे जो सेल्स हैं ये बैलेंस रहे, हमेशा 46 क्रोमोसोम ही रहे हमारी बॉडी में, डबल अप ना होते रहे बार बार, फादर के भी 46 आ गए, मदर के भी आ गए, अगली जनरेशन में और भी बढ़ते जाएंगे, तो वो दैट वोंट मेक एनी सेंस, वो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा फिर। ठीक है इसलिए ये मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। सो आई गेस अगेन दिस पिक्चर इज मेकिंग सेंस, माइटोसिस 2 डॉटर सेल, मियोसिस 4 डॉटर सेल्स, एंड दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल्स, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है माइटोसिस में, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, डॉटर सेल डिप्लॉइड नेचर की होती है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। इट अकर मोर फ्रीक्वेंटली क्योंकि सारी बॉडी के सेल्स माइटोसिस से बने हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म सोमैटिक ऑर्गन्स, ठीक बॉडी के सारे ऑर्गन डॉटर सेल्स के थ्रू बन रहे हैं यहाँ पे। देयर इज ओनली वन प्रोफेज वन मेटाफेज, सबका एक एक फेज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं डॉटर सेल में, पहले भी 46 क्रोमोसोम है, बाद में भी 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर डबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेल डिवीजन, शुरुआत में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है जब डिवाइड होना होता है माइटोसिस के वक्त, तो इनिशियली इट गेट्स डबल, बट बाद में वो डबल इसलिए हो रहे हैं ताकि दो सेल्स के अंदर बराबर बराबर चले जाए। ठीक है अदरवाइज अगर आप 46 को ही दो में डिवाइड करोगे तो वो फिर से 23 23 हो जाएंगे, पर वो पहले डबल अप होते हैं, खुद को डबल करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उसके बाद आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सो देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर हेयर, एंड इसी को हम इक्वेशन डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि वाई इक्वेशन डिवीजन, 46 पहले थे बाद में भी 46 है, 46 है, दैट इज वाई इट इज इक्वेशन डिवीजन। ओके मेयोसिस में ऑन द डिफरेंट हैंड इट ऑकर्स इन जर्म सेल्स, इट ऑकर्स इन जर्म सेल्स, ठीक है यानी कि जो हमारे गैमेट्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पे हो रहा है ये। न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो रहा है, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, डॉटर सेल्स को हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है ये कभी कभी होता है, डॉटर सेल्स फॉर्म गैमेट्स, दो फेज होते हैं हर चीज के, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ, पहले 46 था अभी 23 23 एक्चुअल में हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स के बीच में, और इसलिए क्योंकि आधा हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम ऑल सॉर्टेड, सब क्लियर है यहां तक? शिवी कोई डाउट तो नहीं रहा? नो मैम अब क्लियर हो गया। ओके सो आई गेस दिस इज इट एज आई प्रॉमिस्ड, यहीं तक करते हैं ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। सेक्स डिटर्मिनेशन से हम कल शुरू करते हैं। इज इट फाइन टू एवरीवन टिल हियर? यस मैम। ठीक है यस मैम, आज एसिमुलेट कर लेना इस नॉलेज को। मैं ऑसिस माइटोसिस का एज आई सेड मैं वीडियोस के लिंक भी भेज दूंगी, सो दिस विल हेल्प यू। डॉली लेट तो नहीं हुआ? नो मैम बस अभी मैम तैयारी में हूँ। ओके ओके चलो लोगो अपने काम पे, मैंने ध्यान में रखा था कि आपको जाना है। थैंक यू मैम। चलो ठीक है तो अच्छा रहा, आज के दिन की शुरुआत अच्छी हो गई आई गेस आपको। क्लास की वजह से मैम सुबह उठ गए, बस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है सुबह उठना ना लेकिन एग्जैक्ट 5:30 पे आके खुल गई थी,
वो कहते हैं कि अलार्म से पहले जो माइंड का वो अलार्म होता है ना कि हाँ क्लास है क्लास है क्लास है, तो अलार्म से पहले वो आके खोल देता है। हाँ वो होता ही है।